अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। तो आज ये विलाया के किचन में बन रहा है तवा पुलाव, बहुत मज़े का कीमे वाला तवा पुलाव बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें दिखाते हैं आपको ये मज़े की रेसिपी। ये चावल लेंगे हम एक कप बॉईल किए हुए, अगर लेफ़्ट ओवर आपके पड़े हैं तो वो भी चल जाएंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, एक छोटी प्याज लेंगे चॉप की हुई, एक अदद टमाटर चॉप किया हुआ, हरा मसाला लेंगे, आधा पाव कीमा चाहिए हमें, एक कप चावल के लिए आधा पाव कीमा काफ़ी रहेगा, दो अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और ये धनिया पुदीना है कटा हुआ, और ये थोड़े से स्पाइसेस हैं इसमें, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, और हल्दी भी हाफ टी स्पून। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। आपके पास अगर इस तरह का तवा है घर में तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास ये है बड़ा सा, हम इसको इस तरह की रेसिपीज के लिए यूज़ करते हैं। ये प्याज डाल देंगे इसके अंदर, जो भी तवा हो आपके पास वो भी चल जाएगा। प्याज को हल्का सा गोल्डन करेंगे, ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, यहाँ पे हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये कीमा ऐड कर देंगे और कीमे को अच्छा सा भून लेंगे, प्याज और लहसुन अदरक के साथ कीमे को फ्राई कर लेंगे। कीमा ये देखिए हमारा भून चुका है तकरीबन। अब हम यहाँ पे ये टमाटर ऐड करेंगे, चॉप की हुई टमाटर है हमारी, ये ऐड करेंगे, और साथ ही जो हमारे स्पाइसेस हैं सारे, ये देखिए जो मैंने आपको बताया है, ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये देखिए बिल्कुल हाफ कप पानी डाल के, तो ये सारा जो हमारा कीमा है इसको ये सेंटर में कर लेंगे, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए कवर करके, उसके बाद दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम ये हरा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमे के अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ये देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। यहाँ पे अब हम राइस ऐड करेंगे, चावल जो हमारे पड़े थे बॉयल्ड चावल लिए हमने एक कप, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इनको यूँ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। यहाँ पे हम ये थोड़ा सा यहाँ पे फूड कलर डाल देंगे, इससे सब कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा डालें। और ये हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च ये डालेंगे, और इसको बिल्कुल जो है लो फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, उसके बाद चेक कराते हैं आपको। तो ये देखें जी, ये हमारा बहुत ही मज़े का तवा पुलाव रेडी हो गया है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं चलती हूँ, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।